दिल्ली में फैली कोरोना की चौथी लहर, सीएम केजरीवाल ने किया कोरोना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में 2 से 3 महीने के अंदर सभी को लगेगी वैक्सीन। दुनिया भर की मेट्रो रेल में होगा उपभोक्ता संतुष्टि सर्वे। 12 अप्रैल से 9 मई 2021 को किया जाएगा सर्वे। दिल्ली मेट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पर दे सकते हैं फीडबैक। कांग्रेस के 2 पूर्व सदस्य आप में हुए शामिल, प्रवक्ता राघव चड्ढा रहे मौके पर मौजूद। केजरीवाल सरकार के विकास मॉडल से हुए प्रभावित। और दिल्ली में कोरोना का बढ़ा ग्राफ, सीएम ने स्कूल और कॉलेज को किया बंद। दिल्ली में होगा 6वां सीरो सर्वे। दिल्ली की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसे लेकर सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों के बाद लॉकडाउन लगाने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सीएम ने कहा कि वो लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। आपको सबको नमस्कार। पूरे देश भर में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से, पिछले 10 से 15 दिन में इतनी तेजी से कोरोना बढ़ा है। दिल्ली में ये चौथी वेव है, इसके पहले 3 वेव्स दिल्ली के अंदर आ चुकी है और हम सब दिल्ली वासियों ने मिलकर उसका बड़े अच्छे से मुकाबला किया और वो ठीक हो गया। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोगों की समझ के बाहर है। जैसे कुछ दिन पहले तक, मिड मार्च तक लगभग 200 से भी कम केस प्रतिदिन आने चालू हो गए थे, इतना कम हो गया था। और कल के 24 घंटे की जो रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में आज शाम तक पब्लिश होगी, दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। 10,732 केस पिछले 24 घंटे में। उसके पिछले 24 घंटे में 7,900 केस आए थे, उसके पिछले 24 घंटे में 8,521 केस आए थे। मतलब आप देखिए कि पिछले 3 दिन के अंदर ही कितनी तेजी से बढ़े हैं। पहले 2 दिन लगभग 8,500 केस थे और कल 24 घंटे में 10,732 केसेस आए। इसके ऊपर स्थिति बेहद चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी सरकार पूरी तरह से स्थिति पे नजर रखे हुए, मैं स्वयं इसके ऊपर नजर रखे हुए हूं और जो भी करने की जरूरत है हम वो सब कर रहे हैं, सबका सहयोग ले रहे हैं। इस वक्त हम मोटे मोटे तौर पे 3 स्तर पे काम कर रहे हैं। एक है कि किस तरह से कोरोना को फैलने से रोका जाए, इसमें खास तौर से सरकार अकेले बहुत कुछ नहीं कर पाएगी, दिल्ली वासियों को, आपको सबको इसमें सहयोग देना पड़ेगा। आपने पहले भी बहुत सहयोग दिया, हर बार सहयोग दिया, हर बार जब भी वेव आई दिल्ली के लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया, किसी और के लिए नहीं, हमें अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए बढ़ चढ़ के कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अपनी सेहत अपने हाथ है, अगर हम अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, जो 3 चीजें बार बार बोलते हैं, मास्क पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और बार बार हाथ धोते रहिए। इसमें एक चीज और ऐड कर लो कि घर से तभी बाहर निकलेंगे जब बहुत जरूरी होगा, कुछ दिन की बात है। मुझे पूरी उम्मीद है जैसे पिछली 3 वेव चली गई वैसे ये चौथी वेव भी चली जाएगी, तो अभी फिलहाल ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि घर पे ही रहें, घर से बाहर तभी निकले जब बहुत जरूरी हो। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन कल सरकार को मजबूरीवश कुछ रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्डर किए गए हैं, जैसे बसों में अब 50% लोग बैठ सकेंगे, मेट्रो में 50% की ऑक्यूपेंसी हो सकती है, बार्स रेस्टोरेंट्स के अंदर 50% की ऑक्यूपेंसी, इस तरह से कुछ कई सारे रिस्ट्रिक्शंस कल लगाए गए हैं, आप ही के लिए लगाए गए हैं, आप ही की सेहत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। आपसे अपील है कि उनको सबको अच्छे से फॉलो करें। तो एक तरफ हम
कोरोना को रोकने की कोशिश, स्प्रेड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इतनी तेजी से जब कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, किसी को कोरोना होता है तो वो फिर या तो होम आइसोलेशन में जाता है और या फिर अस्पताल की तरफ जाता है। हम चाहते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरा इंतजाम किया है कि जब कोई अस्पताल में जाए, उसे अस्पताल की जरूरत पड़े, इलाज की जरूरत पड़े, तो उसे दिल्ली के लोगों को बेस्ट से बेस्ट इलाज मिलना चाहिए। किसी तरह की बेड की कमी नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, वेंटिलेटर की कमी नहीं होनी चाहिए। उसका सारा इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। नवंबर के महीने में हम एक पीक देख चुके हैं। नवंबर के महीने में जो पीक आई थी वो 8,500 केसेस की थी। आज हम ऑलरेडी 10,700 केसेस क्रॉस कर चुके हैं, तो ये नवंबर से भी ज्यादा खतरनाक इस वक्त की पीक है। तो हॉस्पिटल, कल मैं LNJP हॉस्पिटल गया था उसका मुआयना करने के लिए, सभी डॉक्टर्स से, नर्सेस से बात हुई, वहां का सारा जायजा लिया। मैं पूरे दिल्ली वासियों की तरफ से अपने डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक स्टाफ को, सबको हाथ जोड़ के सैल्यूट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले एक साल से लगे हुए हैं वो लोग, उन्होंने अभी भी पूरी तन्मयता के साथ वो लोग लगे हुए हैं। कल उनसे सबसे बात की, हम पूरी तरीके से हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए पिछले कुछ दिनों के अंदर कि सर हम इस अस्पताल में गए, इधर बेड नहीं मिल रहा, उसमें गए, उसमें बेड नहीं मिल रहा। वो ऐप जो हमने हॉस्पिटल बेड्स का जारी किया था कुछ महीने पहले, पिछली जो पहली वेव आई थी जून के महीने में, 6 महीने पहले, वो ऐप आज भी काम कर रहा है। तो अगर आपको अस्पताल की जरूरत है, अगर आपको कोरोना हो गया, अस्पताल जाने की जरूरत है, तो किस अस्पताल में बेड अवेलेबल है वो आप अपने ऐप से देख लीजिए। ऐप सारे लोग ऐप डाउनलोड कर लो और उस ऐप से आप लोग देख लीजिए कि किस अस्पताल में बेड की जरूरत है। उधर कांग्रेस के पूर्व सदस्य रविंद्र सिंह नरपाल और अंशुलि राय ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा की मौजूदगी में आप पार्टी में वो शामिल हुए हैं। वहीं पार्टी ने दोनों का स्वागत किया है। साथ ही प्रवक्ता राघव चड्ढा ने मौके पर कहा है कि नरपाल और राय आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों और सीएम केजरीवाल के विकास मॉडल से प्रभावित होकर आप में शामिल हुए हैं। सबका आम आदमी पार्टी की आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। आज दो बहुत बड़ी हस्तियां, बहुत बड़ी शख्सियत जिन्होंने दिल्ली की राजनीति में बहुत लंबे अरसे से अपना मुकाम बनाया, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में एक स्तंभ की भूमिका अपने अपने कार्यक्षेत्र में निभाई। आज दो बड़ी हस्तियां माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कामों से, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से प्रभावित होकर, जिसमें हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलती है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है, सबको मुफ्त इलाज मिलता है, बढ़िया से बढ़िया इलाज अस्पताल में मुफ्त में किया जाता है, बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी, और बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, बस यात्रा मुफ्त, तीर्थ यात्रा मुफ्त का एक गवर्नेंस मॉडल जो समाज के वेलफेयर के लिए अरविंद केजरीवाल साहब ने दिया है, उस मॉडल से प्रभावित होकर आज दो बहुत बड़ी हस्तियां आम आदमी पार्टी का दामन थाम रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी के इस परिवार में शामिल होने जा रही हैं। मैं इन सबका आपसे परिचय कराने से पहले बस इतना कहना चाहूंगा कि एक एक कर जो अच्छे लोग हैं, जिनके मन में समाज के लिए, अपने दिल्ली के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा है, वो सब अच्छे लोग, ईमानदार लोग आज अपनी पुरानी एसोसिएशन, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे किसी और पार्टी से हो, वो छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी, मुझे पूरा विश्वास है कि इन दोनों के आने से आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और इनके अनुभव का, इनके सामाजिक कार्य का आम आदमी पार्टी बहुत लाभ उठा सकेगी। मैं सबसे पहले आपका परिचय कराना चाहूंगा। आप सब जानते हैं किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मेरे राइट हैंड साइड पर बैठी हैं अंजलि राय जी,
अंजलि राय जी दो बार कांग्रेस की एमएलए रही, दो बार उन्होंने 1998 से 2008 तक यानी कि 10 साल एक एमएलए के तौर पे, विधायक के तौर पे, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य के तौर पे दिल्ली की जनता की और अपने विधानसभा क्षेत्र की खूब सेवा करी। इन्होंने केवल एमए की भूमिका ही नहीं निभाई, एमएलए के साथ साथ ये दिल्ली जल बोर्ड की वाइस चेयरमैन भी रही, मेरी सीनियर हैं। 2004 से 2006 ये दिल्ली जल बोर्ड की वाइस चेयरमैन रही। 2000 से 2004 यानी कि पूरे चार साल ये दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, शायद पांच साल दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्षा रही। और इसी के साथ साथ सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की चेयरमैन रही 2012 से 2015 और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर दिल्ली सरकार में रही, जैसे कि डायरेक्टर रही ट्रांसपोर्ट विभाग की, डायरेक्टर रही टूरिज्म विभाग की, विप रही, चीफ विप रही अपनी लेजिस्लेटिव पार्टी की दिल्ली विधानसभा में, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की 10 साल तक अध्यक्षा रही और कई बड़े पदों पे इन्होंने काम किया। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अंजलि राय जी सक्रिय भी रही और बहुत बड़े बड़े पदों पे कांग्रेस में रहकर काम किया। ये ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी रही 1993 से 1996, दिल्ली स्टेट महिला कांग्रेस की अध्यक्षा रही 1996 से 2000 और वाइस प्रेसिडेंट रही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, यानी कि स्टेट लेवल पे जो डीपीसीसी होता है उसकी उपाध्यक्ष रही 2013 से 2019। इसी के साथ साथ कई चुनावों में राज्यों के पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के ऑब्जर्वर के तौर पर भी अंजलि राय जी ने काम किया। आप इन्हें नेता के तौर पे तो जानते हैं, इन्होंने खूब सेवा करी जनता की, इनको एक टेलीविजन एंकर और एक न्यूज रीडर के तौर पे भी जानते हैं, हम सब बचपन से इन्हें देखते आए हैं। और सामाजिक कार्यों में इनकी अपनी एनजीओस चलती हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा काम उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी किया और राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र में भी किया। इसी के साथ साथ आज दूसरी बड़ी शख्सियत जो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रही है, मेरी अपनी विधानसभा क्षेत्र के एक बहुत जाने माने व्यक्ति शख्सियत जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को केवल मजबूत करने का ही नहीं, हमारी राजेंद्र नगर विधानसभा में पूरे इलाके में, मैं कहूं पूरे जिले में, विधानसभा तो इनके कद के लिए छोटा है, पूरे जिले में कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी बनकर इन्होंने काम किया। और आज रविंदर सिंह निर्वाल साहब जो नारायणा गांव के रेजिडेंट हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कामों से प्रभावित होकर आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इनके आने से हमारी अपनी राजेंद्र नगर विधानसभा तो खूब खिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ जिले स्तर पे और राज्य के स्तर पे आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। मैं निर्वाल साहब के बारे में उनका परिचय आपके सामने अवश्य रखना चाहूंगा। इन्होंने कांग्रेस पार्टी में कई बड़े पदों पे काम किया और कई बड़े इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन के तौर पे, वाइस चेयरमैन के तौर पर भी समाज के लिए काम करते रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस कमेटी करोलबाग जिले की जो कांग्रेस कमेटी थी उसके वाइस प्रेसिडेंट रहे, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो एससी विभाग है उसके वाइस चेयरमैन रहे। इसी के साथ साथ एम्प्लॉय यूनियंस में इन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई, कई सारी एम्प्लॉय यूनियंस जो मजदूरों का, कर्मचारियों का नेतृत्व करती है, उन एम्प्लॉयज यूनियंस में ज्वाइंट सेक्रेटरी की, वाइस प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की भूमिका में निर्वाल साहब ने काम किया।
तो आज आम आदमी पार्टी में दोनों बड़े दिग्गजों ने आज दामन थामा है, तो उधर दूसरी तरफ दुनिया भर में मेट्रो रेल के संगठनों ने आठवां उपभोक्ता संतुष्टि सर्वे आयोजित करने वो जा रही है। वहीं ये सर्वे 12 अप्रैल से 9 मई 2021 तक चलेगा। आपको बता दें कि इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यात्रियों से मेट्रो परिचालन की राय लेना है, ताकि उनके सुझावों से मेट्रो सेवा की गुणवत्ता को और सुधारा जा सके। वहीं जो मेट्रो यात्री इस सर्वे का हिस्सा बनना चाहते हैं वो दिल्ली मेट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट www.delhimetrorail.com पर सर्वे के लिंक पर ऑनलाइन फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही मेट्रो प्रवक्ता अनुज दयाल के मुताबिक कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर सर्वे में राय की मांग की गई है। डीएमआरसी की माने तो टीएससी द्वारा यह सर्वे विश्व भर के चुनिंदा मेट्रो में एक साथ किया जाता है, ताकि दुनिया भर के मेट्रो यात्रियों की राय मिल सके। वहीं दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने बच्चों को लेकर फैसला लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में सभी स्कूल और कॉलेज की क्लासेस को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके दी है। आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार से छठे सीरो सर्वे का काम शुरू किया जा सकता है। वहीं छठे सीरो सर्वे में कुल 272 वार्ड के 28,000 सैंपल लिए जाएंगे, जिसमें हर वार्ड से 100 लोगों के सैंपल कलेक्ट करने की योजना बनाई गई है। साथ ही इस सर्वे में सिर्फ उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले जनवरी में पांचवा सीरो सर्वे किया गया था, जिसमें दिल्ली की आधे से ज्यादा आबादी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई थी, जहां सर्वे में 56.13% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई थी। वहीं कोरोना के खिलाफ अब तक पूरे विश्व में जंग जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन लगातार राजधानी दिल्ली में और आसपास के इलाकों में भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, तो इसलिए मास्क पहनिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।